गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट सम इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने मैनेजमेंट की प्रकृति को अपने समय में अलग अलग रूप में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, इसका वर्णन किया है। इसमें हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या कि एक आर्ट है या एक प्रोफेशन है। तो अब हम लेते हैं मैनेजमेंट को एक साइंस और एक आर्ट के रूप में। देयर इज़ ए कंफ्लिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर के बारे में हमेशा एक कंफ्लिक्ट माने कि विरोधाभास या संघर्ष रहा है कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है क्या या एक कला है। कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट इसे साइंस समझते हैं, जबकि कुछ इन्हें आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इट इज़ ए वेरी ओल्ड एंड मिसलीडिंग कंफ्लिक्ट। एक बड़ा पुराना और भ्रामक संघर्ष है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इशू अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रकृति के संबंध में जो ये इशू है, जो ये विचारों का मतभेद है, इसको समझने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम साइंस और आर्ट के मीनिंग, इसके अर्थ को समझें। द फीचर ऑफ एंड मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट। साइंस और आर्ट्स के जो इसके गुण और जो अर्थ हैं और इनकी मैनेजमेंट में इनकी उपस्थिति, ये क्लियर हो जाएगी निम्नलिखित विवरण के द्वारा। मैनेजमेंट एज ए साइंस। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस बिफोर एक्सेप्टिंग मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करने से पहले उसका विज्ञान का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसका साइंस का अर्थ जाने कि साइंस है क्या। मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस रेफर टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच मैन हैज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। विज्ञान एक ज्ञान का व्यवस्थित निकाय होता है, सुव्यवस्थित उसका एक बॉडी होती है, विच मैन है, जिसे व्यक्ति ने अपने अवलोकन और प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया है और जिस ज्ञान का वेरिफिकेशन संभव हो सकता है, जिसका कि हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रयोगों के द्वारा। द चीफ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस। इन दोनों के अंदर जो मुख्य डिफरेंस है वो ये है कि आर्ट के अंतर्गत हम इस ज्ञान तक पहुंचते हैं या ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से किसी चीज़ को पूरा किया जाता है, कैसे किया जाता है किसी चीज़ को। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हाट इज़ द सिस्टम कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या उसका सिस्टम है, क्या उसकी प्रणाली है। साइंस ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो साइंस है वो हमें ये बताती है व्हाई समथिंग इज बीइंग डन कि कोई चीज़ क्यों की जा रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लेइंग डाउन ऑफ प्रिंसिपल्स। इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का सीक्रेट क्या है। सम चीफ डेफिनेशन, साइंस की कुछ मुख्य डेफिनेशन इस प्रकार से हैं। इसमें केन्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक ज्ञान का सुव्यवस्थित निकाय होता है, विच एस्टेब्लिशिज, जो कि
काज और इफेक्ट यानी के कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित करता है वो ज्ञान कहलाता है। और इन अदर इन द वर्ड्स ऑफ जे आर टेरी, टेरी कहते हैं कि साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमाइज नॉलेज, कि साइंस एक सुव्यवस्थित ज्ञान की एक निकाय है जो कि एक्युमुलेटेड माने एकत्रित की गई है और जिसे स्वीकार किया गया है विद द रेफरेंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्यों की समझ के आधार पर जिसको एकत्रित और जिसको स्वीकृत किया गया है और कंसर्निंग ए पर्टिकुलर फेनोमिनन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जो कि किसी एक विशेष समस्या विषय या किसी उद्देश्य के अध्ययन से संबंधित होता है। तो ऑन द बेसिस ऊपर दी गई डेफिनेशन के आधार पर साइंस प्रतीत होती है निम्नलिखित इसके पांच इसके करैक्टरिस्टिक में प्रतीत होते हैं क्या क्या। नंबर ए, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सुव्यवस्थित निकाय या शरीर। नंबर बी, ये तथ्यों को विश्लेषणों और प्रयोगों की कलेक्शन के ऊपर उनके एकत्रीकरण के ऊपर आधारित है। नंबर सी, इनका सार्वभौमिक रूप से एप्लीकेशन माने ये लागू होती है। और नंबर डी, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें कारण और प्रभाव का संबंध होता है। और नंबर ई, वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल, इसके अंदर इसकी वैधता की जांच और साथ में निर्णयों का पूर्व अभिव्यक्ति या पूर्व में निर्णयों का जो रिजल्ट है या उसके परिणामों को पूर्व में जानना पॉसिबल हो जाता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अप्लाई इन करैक्टरिस्टिक्स को, जो साइंस के जो ये करैक्टरिस्टिक है उनको मैनेजमेंट में भी अप्लाई करना महत्वपूर्ण है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए देखने के लिए कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट नंबर वन, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सुव्यवस्थित निकाय या शरीर, ये जरूरी है विज्ञान के लिए कि इसमें ज्ञान का एक सुव्यवस्थित निकाय होता है। मैनेजमेंट में भी एक सुव्यवस्थित ज्ञान की बॉडी होती है, एक निकाय होता है, क्योंकि इट केम टू बी रिकनाइज्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि इसमें सालों के शोध और अनुसंधान जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने किया था उससे इसको पहचान मिली है। इसलिए मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए मैनेजमेंट को हम एक साइंस कह सकते हैं। नंबर टू, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, तथ्यों विश्लेषणों और प्रयोगों की कलेक्शन के ऊपर आधारित या उनके एकत्रीकरण पर आधारित। आफ्टर अप्लाइंग दिस करैक्टरिस्टिक्स, साइंस के साथ ये इस गुण को अप्लाई करने के बाद, साइंस के इस गुण को मैनेजमेंट में अप्लाई करने के बाद हम ये पाते हैं कि मैनेजमेंट का विकास में बहुत सारे साल लगे इनके तथ्यों को कलेक्ट करने में, इनका विश्लेषण करने में और इनका प्रयोग करने में। दूसरे शब्दों में, मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आई बहुत सारे लगातार, मतलब कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे थ्योरिस्ट की, बहुत सारे विद्वत जनों की उत्साहवर्धक लेबर या उनके श्रम के बाद, लगातार कार्य के बाद मैनेजमेंट क्या आई, एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक साइंस है। नंबर थ्री, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, साइंस का क्या है कि साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो
सच्चाई के ऊपर आधारित होते हैं और उनको प्रत्येक समय और प्रत्येक सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए इसका जो सार्वभौमिक जो उसको लागू करना पॉसिबल होता है, संभव होता है। और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जो प्रबंधकीय ज्ञान और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सत्य के आधार पर माना जाता है और दे टू, और उन्हें भी अप्लाई किया जा सकता है कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में। नेक्स्ट पैरा, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जो निर्देश की एकता का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई को ऑर्डर केवल एक सिंगल ऑफिसर से प्राप्त करना चाहिए, यह सार्वभौमिक रूप से मैनेजमेंट के क्षेत्र के अंदर एप्लीकेबल है। इन केस देयर हैपन टू बी मोर देन वन हाई ऑफिसर, अगर एक से अधिक हाई ऑफिसर होंगे सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई के, तो वो किसी का भी बात समझने के योग्य नहीं होगा कि वो किसकी कमांड को प्रायोरिटी या प्राथमिकता दे, किसका निर्देश पहले सुने। इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट हिज एफिशिएंसी, यह पूर्ण रूप से उसकी कुशलता को प्रभावित करेगा। इस तरीके से बहुत सारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनको यूनिवर्सली माने सार्वभौमिक रूप से अप्लाई किया जाता है। नंबर 4, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव का संबंध। साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है हमेशा वो एक्सप्लेन करते हैं कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। व्हेन इट इज़ अप्लाई टू मैनेजमेंट, जब इन्हें मैनेजमेंट के साथ अप्लाई किया जाता है, तो हम ये जानते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनमें भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। उदाहरण के लिए, पुअर प्लानिंग एंड प्लांट लेआउट अफेक्ट प्रोडक्शन, जो पुअर प्लानिंग करना और प्लांट का लेआउट करना प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, या पुअर प्लानिंग कॉज है और लेस प्रोडक्शन इसका प्रभाव है, यानी कम उत्पादन इसका प्रभाव हुआ। इसी प्रकार जो प्रिंसिपल है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का, कार्य विभाजन का, वो एक्सप्लेन करता है कि उचित और सही डिस्ट्रीब्यूशन एज द काज एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में वृद्धि है जो वो उसका परिणाम है। इस तरीके से हम ये समझते हैं, हम ये पाते हैं कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के मैनेजमेंट में भी है। और नंबर 5, वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल, दिस वी विल डन इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉप। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 5, वेरिफिकेशन ऑफ validity and prediction of results possible। वैधता की जांच और परिणामों की भविष्यवाणी करना संभव। मेयर कलेक्शन ऑफ नॉलेज, केवल ज्ञान का एकत्रीकरण और तथ्यों का या सत्यों का एकत्रीकरण ही साइंस नहीं है। साइंस के लिए वैलिडिटी और प्रेडिक्शन, रिजल्ट्स की भविष्यवाणी और इनकी वैधता, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की वैधता को वेरीफाई किया जा सकता है और रिजल्ट्स को भी उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है किसी भी स्पेशल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। इसलिए जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के प्रिंसिपल्स की भांति, वे अपनी वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिकली व्यवहारिकता की कसौटी पर, या व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो वे अपनी वैधता को प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता का सिद्धांत है, जब इसे प्रैक्टिस में लाया जाता है तो हमें ये बताता है कि एक सबॉर्डिनेट जिसका एक ऑफिसर है जो उसे कमांड दे रहा है, तो वो ज़्यादा कुशल होगा देन द
अदर सबॉर्डिनेट, उस सबॉर्डिनेट की बजाय जो एक या अधिक ऑफिसर से कमांड प्राप्त करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन काज और इफेक्ट के, यानी कारण और प्रभाव के रिलेशनशिप यानी संबंध के कारण, जो पॉसिबल रिजल्ट्स है एप्लीकेशन किसी भी प्रिंसिपल को लागू करने के संभावित जो परिणाम है उनको भी, उनकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, यूनिटी ऑफ कमांड के जो सिद्धांत है उसको आप, उसकी जो एप्लीकेशन है उसका लागू करने से हमें ज्ञान होता है किस चीज़ का, नॉलेज ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स यानी के संभावित परिणामों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पैरा, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अबव मेंशन फैक्ट, ऊपर दिए गए तथ्यों के आधार पर, उनकी शक्ति या बल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के करेक्टर, मैनेजमेंट में आर्ट्स और साइंस दोनों के ही गुण हैं, लेकिन इसे एक साइंस, इस प्रकार की साइंस के रूप में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते जिस प्रकार से कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है। द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध का जो विज्ञान है वो मानवीय बीइंग, ह्यूमन बीइंग से या मनुष्यों से रिलेटेड है और उनका व्यवहार भी लगातार चेंज होता रहता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मैनेजमेंट की जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति है जो एक बौद्धिक और एक भावुक प्राणी है और जिसका बिहेवियर या व्यवहार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए कोई भी स्थायी रूप से जो इसका प्रिंसिपल्स है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम एनन्सिएट यानी के उसको हम प्रतिपादित नहीं कर सकते इन रिलेशन टू हिज कंडक्ट और बिहेवियर, उसके व्यवहार से संबंधित हम इसे ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स की भांति कोई भी परमानेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट का बन पाता है। दैट इज़ वाई, इसलिए मैनेजमेंट का जो विज्ञान है दूसरे सोशल साइंसेस की तरह उपलब्ध स्थितियों के आधार पर होता है या उस पर आधारित होता है, और इसके जो परिणाम है वो कभी भी परमानेंट या स्थायी नहीं होते जिस प्रकार से कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो क्लियरली, स्पष्ट रूप से जो मैनेजमेंट का विज्ञान है उसे एक ट्रू साइंस नहीं कहा जा सकता, इसे एक अप्लाइड साइंस कह सकते हैं जिसके प्रिंसिपल समय समय पर बदलते रहते हैं, समय, परिस्थितियों और व्यक्ति के नेचर के अनुसार बदलते रहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में हम ट्रीट नहीं कर सकते, बट एज इट्स प्रिंसिपल्स, क्योंकि इसके सिद्धांत समय समय परिस्थितियों और मानवीय प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं, तो इट इज़ बेटर टू कॉल इसे अप्लाइड साइंस या एक अपूर्ण विज्ञान कहना उचित होगा। अर्नेस्ट डेल ने मैनेजमेंट को एक विनम्र विज्ञान कहा है क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड यानी के कठोर नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड डेफिनेशंस, ऊपर दी गई डेफिनेशंस के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आर्ट के अंदर एक कार्य को एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक करना शामिल है और एक उद्देश्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करना, प्रैक्टिकल अपनी जानकारी को यूज़ करके और व्यक्तिगत निपुणता का प्रयोग करके उद्देश्यों को अचीव करना ही कला है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस विचार से, आर्ट के 5 गुण हैं। नंबर 1, पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत निपुणता या कौशल। दूसरा, व्यवहारिक ज्ञान। तीसरा, कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी के परिणाम उन्मुखी
अवधारणा, और चौथा अभ्यास द्वारा विकास, और पांचवा सृजनात्मक शक्ति। वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक कला है या नहीं, ये इन करेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करके ये जाना जा सकता है। एक एक करके हम इन्हें लेते हैं। नंबर वन, पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत निपुणता। इन द कंटेक्स्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इस संदर्भ में मैनेजमेंट एक कला है, क्योंकि इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैनेजर्स अपनी व्यक्तिगत स्किल को, अपनी निपुणता को यूज़ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में आने वाली कितनी भी कठिनाइयां हैं जो उसे अपना उद्देश्य सक्सेसफुली प्राप्त करने में रोक लगाती है, उनको ओवरकम करने में, उनसे पार पाने में वो अपनी व्यक्तिगत स्किल्स का उपयोग करता है। थिंकिंग एंड टेकिंग डिसीजन, सोचना और अपना निर्णय लेना इम्पोर्टेंट कार्य है मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत, और ये क्वालिटीज़ विभिन्न प्रकार के लोगों के अंदर अलग अलग मात्रा में होती है, विभिन्न मैनेजर्स में अलग अलग डिग्री में होती है। परिणाम स्वरूप उनका जो स्टाइल है काम करवाने का दूसरे लोगों से, वो भी अलग होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है कि किसी का भी कार्य करने का प्रणाली या उसका स्टाइल जो एक मैनेजर के लिए सक्सेसफुल है, वो निश्चित रूप से दूसरे मैनेजर के केस में भी सफलतापूर्वक होगा। इसलिए पर्सनल स्किल्स की जो क्वालिटी है वो एक आर्ट का करेक्टरिस्टिक है, और वो मैनेजमेंट के अंदर भी विद्यमान है या प्रेजेंट है। नंबर टू, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। आर्ट प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ पॉइंट आउट करती है, और यह इसके एक्चुअल एप्लीकेशन से संबंधित है। मैनेजमेंट भी एक क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है। बिजनेस में मैनेजर की इम्पोर्टेंस इस फैक्ट से जानी जा सकती है कि वो किस प्रभावपूर्णता से, किस कुशलता से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। द अमाउंट एंड एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, और उसके ज्ञान का कितना अमाउंट, कितना ज़्यादा मतलब कि उसको ज्ञान है और कहाँ तक है उसको मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स का, वो ये है कि एक मैनेजर दैट ए मैनेजर पोजेस इज नॉट ऑफ मच वैल्यू, उसके पास कितना ज्ञान है ये बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं रखता। परफॉर्मेंस उसके प्रबंधकीय कार्यों की रिक्वायर्स ए मैनेजमेंट टू हैव द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, इस प्रकार से देखी जाती है कि उसके पास डिसीजन निर्णय लेने की कितनी शक्ति है, उसका कुशल व्यवहार और लीडरशिप की क्वालिटी, ये चीज़ें, इन चीज़ों के आधार पर मैनेजर की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ये क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट करती है उसके व्यवहारिक ज्ञान को, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर निहित है, इसलिए इसे हम आर्ट कह सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठोस परिणाम अनुमुखी अवधारणा। आर्ट कला का जो आधार है वो है मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त करना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में मैनेजमेंट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेम कंसेप्ट, मैनेजमेंट में भी यही कंसेप्ट लागू होता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही है, या उद्देश्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। फॉर मैनेजमेंट मीनिंगफुल रिजल्ट्स, मैनेजमेंट के लिए मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और लेबर्स के होते हुए भी अधिकतम लाभ कमाना, और
प्रोडक्शन के उद्देश्यों को प्राप्त करना और सेल्स के उद्देश्यों को प्राप्त करना, एंश्योरिंग एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, अपनी पूंजी पर पर्याप्त मात्रा में लाभ सुनिश्चित करना इत्यादि। द मैनेजर की जो सक्सेस है वो इस बात से सुनिश्चित की जाती है कि कितने कुशलतापूर्वक और मितव्ययी रूप से वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करता है अपने संगठन के। इसलिए इट विल नॉट बी इनअप्रोप्रिएट, यह कहना अनुचित नहीं होगा, मैनेजमेंट को एक आर्ट, क्योंकि यह एक परिणाम अनुमुखी अवधारणा है। इसलिए जो मैनेजमेंट है अपने आप में परिणामों से जुड़ी हुई एक धारणा है। नंबर 4, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास द्वारा विकास। जस्ट एज आर्ट, जिस प्रकार से कि कला को प्रैक्टिस की मदद से या अभ्यास से उसको चमकाया जा सकता है, इसी प्रकार प्रबंधकीय जो निपुणता है उसे भी प्रैक्टिस द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। प्रत्येक मैनेजर की एक इच्छा होती है कि वो अपने फील्ड का एक संपूर्ण एक्सपर्ट बने, उसका विद्वान बने। ही कैन फुलफिल हिज डिज़ायर, वो अपनी इच्छा को लगातार प्रैक्टिस से पूरी कर सकता है। एक पूरी तरह से विकसित मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ही नहीं बदलता, अपितु वो उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो आउटर सर्कमस्टांसिस को भी अपनी इच्छा शक्ति से बदल लेता है। इसलिए जो मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के भी गुण विद्यमान हैं। नंबर 5, क्रिएटिव पावर, सृजनात्मक शक्ति। आर्ट के अंदर एक सृजनात्मकता की शक्ति होती है, इसी प्रकार मैनेजमेंट में भी यही क्रिएटिव आर्ट या सृजनात्मक कला की गुण है। और इन मैनेजमेंट में जो कार्य है वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करके कंप्लीट किया जाता है और उनकी एक्टिविटीज़ में समन्वय स्थापित करके किया जाता है। दूसरे शब्दों में मैनेजमेंट एक अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक प्रक्रिया नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें सभी लोग अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करें। कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस के रूप में मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल्स की मदद से नेसेसरी गाइडेंस देती है मैनेजर को, ताकि वो टू अचीव प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करे। विद रेफरेंस टू आर्ट और आर्ट के संदर्भ में, मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक, कार्य की बढ़िया टेक्निक के रूप में हेल्प करती है मैनेजर की कि वो प्रत्येक प्रकार की सिचुएशन को सफलतापूर्वक उसका सामना करे। इसलिए यह उचित होगा कि मैनेजमेंट, यह कहना उचित होगा कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। दैट्स ऑल फॉर दैट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक पेशे के रूप में, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन से क्या अर्थ है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रकृति से एक प्रश्न को जन्म होता है, एक प्रश्न ये उठता है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वन हैज़ टू लर्न द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड अंडरस्टैंड इट्स करेक्टरिस्टिक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें प्रोफेशन के मीनिंग को जानना होगा और इसके करेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। प्रोफेशन का मीनिंग समझने के लिए निम्नलिखित डेफिनेशन की स्टडी अर्थपूर्ण रहेगी। नंबर 1, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, पेशा वो व्यवसाय जिसमें एक व्यक्ति ने कोई विशेष ज्ञान एक्वायर किया हो और जो इसे किसी को निर्देश देने में, मार्गदर्शन देने में और उसे परामर्श देने में यूज़ करे, इसे हम प्रोफेशन कहते हैं। दूसरा, हॉज एंड जॉनसन, प्रोफेशन एक ऐसा पेशा या ऐसा व्यवसाय इसमें
एक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण निकाय होता है, जिसे हम किसी रेलिवेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए या समाज के किसी एक वर्ग की सेवा के लिए उसे हम उच्च रूप से हाई डिग्री की स्थिरता के लिए उसको हम अप्लाई करें या उसे यूज़ करें। प्रोफेसर डेल्टन ई मैकफारलैंड कहते हैं कि इसके 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक्स की एक बॉडी या इसमें एक निकाय एग्जिस्ट करता है या इसमें होता है। नंबर 2, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेने का एक औपचारिक तरीका होता है। नंबर 3, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन या प्रतिनिधित्व करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसकी स्थापना की जाती है। और नंबर 4, एथिकल कोड इसके लिए बनाए जाते हैं ताकि मार्गदर्शन, इसके व्यवहार का मार्गदर्शन हो सके। और नंबर 5, ड्यू रिगार्ड फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिजायर ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड, और मौद्रिक रिवार्ड की बजाय सोसाइटी की सेवा या सेवा को प्राथमिकता देना। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रोफेशन के अंतर्गत एक व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के बाद और लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद वो प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर लेता है विद विच ही इम्पार्शली सर्व्स, जिससे वो अलग अलग सोसाइटी के वर्गों की सेवा करता है। दैट्स ऑल। सेकंड उसमें लेंगे अगला पार्ट। इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन? क्या मैनेजमेंट एक पेशा है? प्रोफेशन का मीनिंग जानने के बाद अब यह डिसाइड करना बाकी है कि क्या मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माना जाए। इन ऑर्डर टू फाइंड, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या प्रोफेशन के सभी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित विश्लेषण महत्वपूर्ण है। नंबर 1, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, ज्ञान की एक या विशेष ज्ञान और की निकाय होना या विशेष ज्ञान का एक रूप स्वरूप होना और टेक्निक होना। द फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ ए प्रोफेशन की सबसे पहली जो क्वालिटी है वो इसमें एक विशेषज्ञता या विशेष ज्ञान और तकनीक का होना है। और मैनेजमेंट एक विशेष ज्ञान होता है और इसमें टेक्निक होती है विच है जिसके अंदर अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट पर आधारित होते हैं और जिसके लिए उनको यूज़ करने के लिए एक विशेष कॉम्पिटेंस की आवश्यकता होती है, योग्यता की आवश्यकता होती है, सक्षमता की आवश्यकता होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशलिटी, इस विशेषज्ञता के आधार पर मैनेजमेंट को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 2, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने का औपचारिक तरीका। आजकल मैनेजमेंट हैज़ मेड अवेलेबल द फैसिलिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आजकल मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी हो गया है, या ये कह सकते हैं कि आजकल शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा विशेष ज्ञान की फैसिलिटी अवेलेबल है मैनेजमेंट के लिए। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो कुशल रूप से विभिन्न यूनिवर्सिटी और प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं। आजकल ज़्यादातर मैनेजर इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग प्राप्त करके इन इंस्टीट्यूशन से। सम पीपल एक्वायर दिस नॉलेज, कुछ लोग ये ज्ञान मैनेजमेंट का साहित्य पढ़ करके प्राप्त करते हैं, मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंसिस को पार्टिसिपेट करके उनमें भाग ले करके ये ज्ञान प्राप्त करते हैं।
और मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम जो कंपनियां अटेंड करती हैं समय समय पर या ऑर्गेनाइज करती हैं उनको अटेंड करके और बाय सम यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करके कुछ लोग ये ज्ञान एकत्रित करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल उन्हीं लोगों को मैनेजर्स के रूप में सेलेक्ट करते हैं जो ट्रेंड हैं और अनुभवी हैं। इट इज़ हाउ एवर, यद्यपि ये सत्य है कि कुछ लोग अभी भी बिना प्रबंधकीय क्षमता के या योग्यता के और फॉर्मल ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रबंधकीय क्षमता है उसको हम अंडर एस्टिमेट या कम नहीं आंक सकते, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एक बड़े बहुत सारे बड़े और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का। ये पोस्ट प्राप्त करने से पहले उनका बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, इसलिए हम ये पाते हैं कि दोनों प्रकार के मैनेजर में सिमिलर एबिलिटी या योग्यता होती है। इसलिए इस प्रोफेशन के इस करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैनेजमेंट को एक पेशा कहा जा सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसके लिए पेशेवर संघ या यूं कहिए कि प्रतिनिधि करने वाला, इन पेशेवर संघों को प्रतिनिधित्व देने वाला ऐसा एक ऐसी संस्थाओं का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, उनको बनाया जाए। तीसरा करैक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन का है कि इस तरह के जो प्रतिनिधि पेशेवर संघ बनाए जाते हैं जिनके निम्नलिखित फंक्शन होते हैं क्या क्या, नंबर वन टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, अपने सदस्यों का व्यवहार रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए। नंबर टू, एक ऐसा व्यवहार के जो संकेत या नियम बनाने के लिए ताकि पेशे की एक्टिविटी को गाइड किया जा सके, उसका मार्गदर्शन किया जा सके। नंबर थ्री, टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज ए प्रोफेशनल, टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज ए प्रोफेशनल, पेशेवर के रूप में अपने सदस्यों की इमेज या छवि को संवारना या प्रमोट करना। नंबर चार, मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंबर्स के लिए लागू करना या जारी करना। और नंबर पाँच, प्रोफेशन के अंदर एंट्री या उसमें प्रवेश को नियमित करना। भारत में रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रिगार्ड टू अदर प्रोफेशन, बहुत सारे जो पेशे हैं अदर्स जो दूसरे पेशे हैं उनसे संबंधित बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन बन गए हैं। ये इनमें से कुछ हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और इसी प्रकार जो सिमिलर इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए हैं अब्रॉड में भी। भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA एस्टेब्लिश किया गया है, बहुत सारे देश के हिस्सों में लोकल मैनेजमेंट के एसोसिएशन एस्टेब्लिश किए गए हैं जिन्हें AIMA के साथ ही जोड़ दिया गया है। थ्रू दीज मैनेजमेंट एसोसिएशन, इन प्रबंधकीय संघों के द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं कि वो मैनेजर्स की सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखें और प्रोफेशनल कंडक्ट के जो नियम हैं उनको प्रिपेयर करें। भारत में मैनेजमेंट एसोसिएशन आर मूविंग टुवर्ड द कंपटीशन ऑफ वर्क डिसाइडेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो कंप्लीशन ऑफ वर्क डिसाइडेड बाई, तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा जो डिसाइड किए गए कार्यों को कंप्लीट करने की तरफ जो मैनेजमेंट एसोसिएशन भारत में बढ़ रही है। यद्यपि चीफ फंक्शन क्या है उनका कि विभिन्न फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में विभिन्न क्षेत्रों में वो रिसर्च करें, यह सत्य है कि इस तरह के कोई नियम नहीं है प्रोफेशनल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए और कोई इनमें समरूपता भी नहीं है मैनेजरियल प्रोफेशन की एंट्री के बारे में। उदाहरण के लिए ए डिग्री ऑफ लॉ
यानी कि एक लीगल प्रोफेशन में जाने के लिए लॉ की डिग्री चाहिए, लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसी प्रकार यह ज़रूरी है कि ICI का मेंबर बने जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और लेकिन AIM में का मेंबर बनना मतलब कि कोई आवश्यक नहीं है एक मैनेजर बनने के लिए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत में मैनेजमेंट का ये करेक्टरिस्टिक्स एज प्रोफेशन ये अभी मतलब कि संदेह की स्थिति में है, और इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि अभी इसको पेशे के रूप में मान्यता नहीं मिली है। दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की, उसी को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट नंबर 4 कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी पेशे के जो सदस्य हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल होते हैं उनके प्रोफेशन से संबंधित नियम, इसमें ईमानदारी, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी मॉरलिटी, उनकी नैतिकता, विच फॉर्म इट्स बेसिस, जो इसके आधार बनते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑलरेडी रिकग्नाइज प्रोफेशनल लाइक लॉ, जो पहले से पहचान प्राप्त पेशे हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि वकालत, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, वो पहले से बनाए जा चुके हैं। बट नो सच कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन इस तरह का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में अभी नहीं है, और एनी नीड ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, और ना ही किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है मैनेजमेंट को पेशे के रूप में करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट, इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक पूरी तरह से पेशा नहीं है। द कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ बीइंग डेवलप्ड इन कनेक्शन विद द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट इज लाइकली टू इंक्लूड चीफली टू मेंटेन सीक्रेसी, जो इससे संदर्भ में मैनेजमेंट एक पेशे के रूप में, अगर इसके संदर्भ में हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अगर कुछ कहें, तो मुख्य रूप से यहाँ सीक्रेसी मेंटेन करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, जो कि गोपनीय मामले होते हैं, उनको छुपाने के मामले में, उनमें सीक्रेसी रखने के मामले में, और कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक जो इंफॉर्मेशन है उनको अपने व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयोग ना करना, और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इसके लॉन्ग टर्म वेलफेयर में प्रयोग करना इत्यादि इसमें शामिल हैं। ये अब तक डेवलप हो पाए हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसलिए पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट प्रोफेशन का नाम इसे नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 5, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। आर्थिक प्रतिफल से ज़्यादा सेवाओं को प्राथमिकता देना, लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज़ की भांति एक पेशा अपनाना भी पैसा कमाने का साधन है, अंडर विच जिसके अंतर्गत एक स्पेशलाइज नॉलेज के माध्यम से उसके आधार पर वन गेट सम प्रॉपर रेमुनरेशन, सोसाइटी की सेवा करने के बदले में कोई भी एक उचित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। दैट इज़ वाई, इसलिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी समाज के अंदर बड़ी इज्जत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन को करता है अपनी लिविंग के लिए, अपने जीवन के लिए, लेकिन जो सोशल सर्विस है वो उसकी लिए चीफ ऑब्जेक्टिव होती है, और देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। यद्यपि अभी तक मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन इसकी जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनके लिए बहुत ज़्यादा अब दबाव बन चुका है। इस रेस्पेक्टिव यह आशा की जाती है कि
मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम कुशलता प्राप्त करना, दे विल लुक आफ्टर द वेलफेयर एम्प्लाई, वे इसमें क्या करेंगे, एम्प्लाईज़ का वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, वर्कर का ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर का ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से देश और समाज की सेवा करेंगे। और यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे अपनी पर्सनल टेम्परेरी इकोनॉमिक बेनिफिट को छोड़ करके, उनको भूल करके और अपने सारे अनुभव और योग्यताओं को ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में लगा देंगे। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस विचार से यह कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैनेजमेंट एक पेशा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में ऊपर के एनालिसिस के आधार पर, उसके विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मैनेजमेंट कुछ कंडीशन पूरी नहीं करता और कुछ करेक्टरिस्टिक्स को पूरी करता है एक प्रोफेशन के बारे में, बट इट स्टिल लैक्स सम अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, लेकिन अभी भी इसमें प्रोफेशन के दूसरे करेक्टरिस्टिक्स की कमी है। इस तरीके से मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन होने में या पेशा होने में अभी भारत में समय लगेगा, स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, अभी ये अपनी शिशु अवस्था के अंदर है, अभी ये इन्फेंट टाइप में है, अभी अपने बाल्यकाल की ओर है, एंड इट्स डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, अभी इसका विकास अभी चल रहा है, अभी गतिमान है। द स्लो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट का पेशे के रूप में जो धीमी विकास है, प्राइमरी ये है इस बात के कारण है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज है वो कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज यानी कि औद्योगिक जो घराने हैं उनके द्वारा उनका प्रबंध किया जा रहा है, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजरियल स्किल जो है अभी इसके विकास में इतनी गतिमान नहीं हो पाई है। इवन देन द डिमांड फॉर प्रोफेशनल मैनेजर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, फिर भी जो पेशेवर प्रबंधक है उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। संक्षेप में या निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो मैनेजमेंट प्रोफेशन के रूप में अभी विकासशील है या अभी विकास कर रही है, मोर द इंक्रीज इन डेवलपमेंट, जितना विकास के अंदर वृद्धि होगी, ग्रेटर द रिकग्निशन ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन विल कम टू इट, उतना ही मैनेजमेंट को एक पेशे के रूप में तरक्की मिलेगी। दैट्स ऑल ऑफ द डे, थैंक यू।